दूसरी स्टेज है उसमें साथीपन का अभ्यास, साक्षी और सारथी, मैं आत्मा मालिक सारथी, माना इस रथ को चलाने वाला रथी सारथी। जैसे अकाल मूर्त त्रिकालदर्शी स्टेज है, ऐसे साक्षी और सारथी स्टेज है। अगर इसका कोई ने अभ्यास कर लिया, फट से उसकी योग की स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। दो चीजें और जरूरी है, दो दो सुना नोट कर लेना। अगर ब्राह्मण परिवार में किसी आत्मा ने किसी की बद्दुआएं ले ली, उसका आप है हमेशा एक बहुत अटेंशन देने वाली बात है। इस ब्राह्मण जीवन में मुझ आत्मा को किसी भी रूप से बदुआ न दे, सबकी दुआएं, माता पिता की दुआएं, उनकी श्रीमत पर चलने से, उनकी आज्ञाओं में हाजी करने से मिल जाती है। लेकिन हमारा ये परिवार जो संगम पर मिला है, इसमें हम सबको अटेंशन देना है कि कोई भी आत्मा किसी कारण से मेरे से डिस्टर्ब होकर, मेरे किसी चलन से, मेरे किसी बोलचाल से, मेरे किसी व्यवहार से डिस्टर्ब होकर मुझे बद्दुआ न दे। बहुत साफ लगता है बद्दुआओं का, और विशेष करके जो पवित्र कन्याएं सेवा केंद्रों पर रहती हैं, उनको अगर कोई परेशान करता है उसका क्या हाल होता होगा। वो बहुत ध्यान देना, अंडरलाइन करना इस बात को। पवित्र आत्माएं जिनको भगवान ने बिठाया, सीट दी है, ईर्ष्या के बस, द्वेष के बस, बदला लेने की भावना से, किसी को नीचा दिखाने की भावना से, कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ उल्टा नहीं करना जो उसकी दिल की आह निकले, वो कभी भी शांति से बैठने नहीं देती, कभी भी योग में बैठने नहीं देती। कई लोग क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं, तंत्र मंत्र जंत्र, सारी आसुरी शक्तियों का अगर कोई ब्राह्मण आत्मा सहारा ले ले तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। ये आसुरी शक्तियां हैं। और इस देवी परिवार के अंदर किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर कोई ऐसा कर्म करता है, उससे बड़ा अपराध कहीं नहीं होता। ऐसा अपराध मेरे से ना हो। सब लोग ध्यान दो, हर आत्मा किसी की बद्दुआएं ना निकले, तब योग लगेगा। नहीं तो बैठे हो योग में 2 घंटा 4 घंटा लगा के लाल लाइट करके, योग नहीं लगेगा। बहुत मेहनत।